बनारस, वो शहर जहां पूरी दुनिया से लोग आते हैं इस उम्मीद में कि वो अपनी आखिरी सांसें यहां लें। पर क्यों, ऐसा क्या खास है इस शहर में? इस सवाल का जवाब छुपा है बनारस के एक होटल में, जिसे डेथ होटल ऑफ बनारस भी कहा जाता है। तो बनारस पहुंचते ही मैं निकल गया इस यूनिक होटल को ढूंढने, और उसी बीच मेरी मुलाकात होती है इन लोगों से। इनके पास 5 बीघा जमीन है। हाँ। इनके जाने का उम्र हो गया है। हाँ। इनको बेच के गोवा में जाके अय्याशी करना चाहिए। आप बोल रहे हो कि इनको गोवा जाना चाहिए? हाँ, इनको जाना चाहिए। 5 बीघा रख के क्या करेंगे, मरना ही है। तो दो वाइफ थी इनकी ना, दो शादी किए थे। दो किए थे? हाँ, यही रस है बनारस का, यही रस है। डेथ होटल अब सिर्फ कुछ ही कदम दूर था, और मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में कल के दिन एक अघोरी साधु से मिलना लिखा है। आपने आखिरी बार इंसानी सब कब खाया था? चलते चलते अब मैं आ पहुंचा था काशी लाभ मुक्ति भवन, ऑल्सो नोन एज डेथ होटल ऑफ बनारस। इस भवन में वो लोग चेक इन करते हैं जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जी रहे हैं, और मैं यहाँ उन लोगों से मिलने आया हूँ जो अपने फैमिली मेम्बर को उनके आखिरी दिनों के लिए बनारस लाए हैं। पर क्यों, ऐसा क्या खास है इस शहर में? एग्जैक्टली इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने मैं यहाँ आया हूँ। एमपी से आए हम लोग, 680 किलोमीटर के लगभग है हमारा गांव, छोटा भैया लगता है हमारा कमलेश, और अचानक से उनको लखवा की शिकायत हो गई। अब हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने हमसे कहा कि भैया अब तो मुश्किल है। तो हम सब घर वालों ने सोचा कि अब काशी जी ले जाना सही है। हमारे यहाँ जो मोक्षार्थी आते हैं उनके साथ घर परिवार वाले, और रहने के लिए 15 दिन यहाँ पर सुविधा दिया जाता है। और जब से यहाँ पे आए हैं, जब से वो अन्नवी ग्रहण करने लगे, एक बिस्किट खाया है, हल्का एक बिस्किट खाया है, दो दिन से बंद, अभी थोड़ी सी दाल रोटी खा ली। 15 दिन में मोक्ष नहीं होगी, स्थिति गंभीर होने से व्यवस्थापक साहब से मिलकर 15 दिन और बढ़ाया जाता है। उसके बाद में भी यदि लग रहा है कि नहीं वो काफी स्वस्थ दिख रहे हैं, तो उनसे निवेदन किया जाएगा पुनः घर जाने के लिए। अभी यहीं स्वस्थ हो जाए तो भी अच्छा है, ऊपर वाले को जो पसंद है उसके आगे तो अपनी चलने वाली है। आते हैं एम्बुलेंस में, स्थिति गंभीर रहती है, डॉक्टर जवाब दे देता है, अब लगता है कि 2-4 दिन में जाने वाले हैं, तो सोचते हैं लोग कि घर से अच्छा काशी है। जैसे मैं शूट कर रहा हूं, मेरे पांव हल्के हल्के कांप रहे हैं, पता नहीं क्या अजीब सा यहाँ पर है। ये वजह है कि अपने हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति होती है बनारस में आते हैं। और जगह तो शरीर छोड़ने से पुनर्जन्म होती है, लेकिन काशी में जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है पुनर्जन्म नहीं होती है, वो बाबा विश्वनाथ के गोद में ही समर्पित हो जाता है, वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। या तो वे ठीक हो जाए, और ठीक नहीं हो रहा है तो भगवान अपनी शरण में उनको ले ले, हमारी यही इच्छा है। इससे पहले हमारे दादाजी भी यहाँ आए हुए थे, और वो भी मोक्ष की प्राप्ति उन्होंने यहाँ पे की थी। तो बनारस में मृत्यु होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी बर्थ और डेथ की साइकिल से मुक्त हो जाना। पर सिर्फ बनारस ही क्यों, जहाँ से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? इसका जवाब छुपा है बनारस के महाशमशान में, मणिकर्णिका घाट, वो जगह जहाँ हर दिन 100 से ज्यादा चिताएं जलती हैं। तो काशी लाभ मुक्ति भवन के बाद मैं चल दिया मणिकर्णिका घाट के लिए। भाई इतनी पतली गलियां हैं यहाँ पे, दोनों तरफ से गाड़ियां जाती हैं, दोनों तरफ से लोग आते हैं, तगड़ा ही मामला है भाई। और मतलब रुक ना रहा भाई कुछ भी, ना लोग रुक रहे ना ये कुछ रुक रहा, टिपिकल बनारस हम बोलते हैं ना, वो यही है, वो ये गलियां हैं। किसी आप नॉर्मल शमशान पे जाओगे तो इतनी लकड़ियां दिखेंगी जितनी आपको यहाँ पे दिख रही हैं। If people is crying in around this ceremony, that spirit wouldn't go straight forward to heaven or to paradise. So that's why people is not crying here supposedly. And it was pretty interesting to me, you know. मैं भी यही expect कर रहा था कि यहाँ पे लोग रो रहे होंगे, लोग शोक मना रहे होंगे, but जब मैंने यहाँ पे आके देखा कोई
रोना धोना नहीं था। यहाँ पे लोग आते हैं, जो भी फाइनल राइट्स होते हैं वो करते हैं एंड इट्स ओवर, जस्ट अ रूटीन। मणिकर्णिका घाट सदियों से जलता एक महाशमशान है, जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती हैं और माना जाता है कि भगवान शिव खुद यहाँ आत्मा को मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। और इसीलिए जो इंसान बनारस में अपनी आखिरी सांसें लेता है उसको सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सूरज ढल चुका था और पास ही के दशाश्वमेध घाट पर बनारस की फेमस गंगा आरती शुरू होने वाली थी। रोल कैमरा एक्शन, तू खींच मेरी फोटो, फुल पावर है, काला वाला गाला, फुल पावर 24 आवर ऑन नॉलेज विदाउट कॉलेज। अब समय था रियल अघोरी साधु से मिलने का और बीच रास्ते मुझे शशांक भाई मिल जाते हैं। पहले वो मुझे अपने घर चाय के लिए इनवाइट करते हैं। ये शशांक भाई है, उनका छोटा भाई है और ये आंटी है, इनकी मम्मी है। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि किसी भी अजनबी को आपने ऐसे अपने घर के अंदर बुलाया। और जैसे ही मैं इनको अपने प्लान के बारे में बताता हूँ, इसने निकाली है बाइक और हम जा रहे हैं एक अघोरी आश्रम में। और मैंने इसलिए शशांक को लिया क्योंकि मेरी अकेले जाने में फट रही थी, सच बताऊँ तो। आउटर में वो जो हमारा काशी वाला मणिकर्णिका का घाट है ना, तो वहाँ पे उनको वरदान मिला है कि चाहे कितना भी कुछ हो जाए वहाँ पे कभी आग शांत नहीं होगा। अघोरी आश्रम से कुछ 500 मीटर पहले रामनगर फोर्ट नजर आता है। गंगा के किनारे बना ये फोर्ट 18th सेंचुरी में रेड सैंडस्टोन से बनवाया गया था। अघोरी आश्रम पहुँचने ही वाले थे पर पता नहीं वहाँ का आसपास का एरिया बड़ा अजीब सा था। एकदम सच्ची बताया, दिल से बहुत डर लग रहा है। हालांकि दिन का टाइम, बट ये सब जो पैरानॉर्मल चीजें तो अच्छी चीजें नहीं ना, इस कारण डर लग रहा है। तो तुम चाहते हो कि वापस मुड़े? अब आए हैं तो उसको पूरा करेंगे। तो जिस आश्रम में हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे सारे अघोरीज रहते हैं, उसका नाम है महाकाली अघोर आश्रम। हमको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो भी हमको लग रहा है ना, बहुत अजीब सा लग रहा है, बट वहाँ जाके वो लोग बहुत अच्छे होंगे, तो इसी विश्वास में चल रहा हूँ। फट तो मेरी भी रही है, क्योंकि शहर से कट के एकदम अपन खड़े हैं गंगा के साइड में और यहाँ पीछे की तरफ सीवेज प्लांट है और यहाँ कोई नहीं है बचाने वाला। ये सीवेज का पाइप है बेसिकली सारा, और अपन को जल्दी निकलना है यहाँ से, रात को ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए यहाँ। लोग डरते जरूर, मगर आप यहाँ पे आएंगे तो इतना सुकून मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। माँ के दरबार में कोई डर नहीं है, वो तो माँ है। और हम सच भी बताएं तो जब हम घाटों पे जाते हैं ना, तो वहाँ जो साधु मिलते हैं उनसे आप बात नहीं कर सकते, वो अलग स्थिति में होते हैं। असल अघोरी कैसा होता है उसको जानने के लिए मैं यहाँ आया। मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो मन थोड़ा अजीब सी वो रास्ता थोड़ा सा। हाँ, आश्रम में सबसे पहले मुझे मंदिर में बुलाया गया। सच बताऊँ तो ऐसा मंदिर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। फिर मेरी मुलाकात होती है एक रियल अघोरी साधु से। मैं माफी चाहूंगा अगर गलत हो तो, आपने आखिरी बार इंसानी शव कब खाया था? शाम भी खाया था, आज शाम भी खाएगा। अच्छा, शाम भी खाएंगे, प्रतिदिन खाता है पुत्र। तो वो शव आता कहाँ से है? पीछे गंगा मैया से, शमशान को, वहाँ से शमशान वहाँ पे है, वहाँ पे पुत्र। किसी संसारी उसका घर में कोई स्वर्गवास हो चुका हो, उसको ले आकर के रुद्रभूमि से उसको संस्कार करता है। वो संस्कार करते रहेंगे समय कुछ बॉडी का मांस बच जाता है, वो प्रसाद को उठा करके गंगा जी में फेंकता है, उसको उठा करके काना, वो अघोरी का तत्व है, वही महाप्रसाद है। शिव सब समान है, सब शिव समान है। कोई अपना पिता को काटेगा पीटेगा, गोद में बैठ सकता है, अपना समय थोड़ा समय प्रार्थना कर सकता है, बस इतना है। उसको काटना पीटना नहीं पुत्र, डराना का काम नहीं है, वो धर्म को रक्षा करना काम है। अपने आँखों पे लगाया हुआ ये क्या है? ये चिता बबूत है, उसी का है। पांच बार बच्चों दिए है दूसरा घर में, एक ही बच्चों नहीं बचा है। कब आश्रम के लिए वो लोग दान दिया, उसके बाद माँ गंगा जी को प्रार्थना किए थे, माँ उसको बच्चों दे दे, आपका नाम रखेगा। उसके बाद माँ उसको प्राप्त कर दी, उस समय उसका नाम गंगा रखी थी। अच्छा, मैं आपसे एक बात बोलूँ, दिल की बात। जब मैं घाट पे गया था ना कहने के लिए, जो अघोरी थे उनसे जब बात करते थे तो बड़ा भय सा लगता था कि ये किस तरह से जवाब देंगे, किस तरह से वर्ताव करेंगे, मगर जब आपसे बात कर रहे हैं उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर। एक अघोरी साधु असल में कहते किसे हैं? लोगों को इस बारे में ज्यादा जानकारी है ही नहीं। अघोरी साधु आकर के एक दो दिन को साधु बनना वो असंभव। बारिश हो, धूप हो, कोई चीज हो,
स्मशान को जोड़ के नहीं जाना पड़ता है। अगर का पूजा शांति पूजा है और रहस्य पूजा है। कब पृथ्वी सो जाता है वो समय अघोर जाग जाता है। माता पिता सेवा, अपना भगवान का सेवा, अपना धर्म का सेवा करते कोई काम हो चलते रहे, सबको सद्गुण सद्भावना, माता पिता आशीर्वाद से, भगवान का कृपा से सब मिलता है। सच बता रहे दिल से, यहाँ आते आते तो बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं, बट यहाँ आने के बाद वाकई में जो सुकून है वो मिला। अब बारी आ चुकी थी गंगा किनारे बसे हिंदुस्तान के सबसे पुराने शहर बनारस के खूबसूरत घाट और यहाँ की पुरानी गलियों को एक्सप्लोर करने की। और सबसे पहले मैं गया वहाँ जहाँ सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। बाबूलाल जी हम बता रहे हैं, जब हम बनारस आए उससे पहले हमने सुना था कि बनारस में सबसे खूबसूरत बातों में से एक ये है कि गंगा नदी में चप्पू की नाव में बैठकर बनारस के घाटों को निहारना बेहतरीन बेस्ट लगता है। हमारा नाम बाबूलाल निषाद, हमको नाव तो हम लोग बच्चों ना चलाते मगर अब कस्टमर का काम जो हम ये 20 साल से कर रहे हैं। बनारस का ऐसा कौन सा खाना है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है और जो आप बोलोगे भाई साहब ये तो यहाँ खा के जाओ? नशा पानी में अरे वो सब नहीं है, सादा बताओ, सीधा नशा पानी बता रहे हो आप तो। कचौड़ी जलेबी तो है सुबह का नाश्ता, गए चाटे कचौड़ी खाए, ऐसा लग रहा है पीछे से पादरी है। पूरी अभी 20-25 मिनट बाबूलाल जी को पहली बार हंसा दिया है भाई साहब, हंसा दिया मगर मैंने। हाँ नदी में तो हम लोग तैरने तो हम लोग के पूर्वज ने आते रहे, हम लोग को फेंक देते रहे नाव से, छपर छपर पौड़ के चले जाए। हमारा गंगा माँ है, इन्हीं के जरिए हम लोग गीते गाते हैं। माना जाता है कि गंगा जी में नहा लेने से सोल प्योरीफाई होता है और किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। मासूम में पूरा डूब जाता है, वो जो छोटी छोटी खिड़की है, हाँ हाँ, निषाद राज लिखा हुआ है वहाँ तक चला जाता है, इतना चला जाता है। हाँ। अब समय था बनारस की गलियों में भटक जाने का और भाई साहब मुझे यहाँ एक से बढ़कर एक लोग मिलते हैं। जब मैं सेंटीमीटर का था गोद में, हाँ। तो दांत चिहार की इसी जगह ला दिए, माँ बाप पटक दिए, बचपन मेरा गंगा किनारे, जितना गेम है सब मैं मन से खेला। पहले जो है गंगा जी लोग नहाते थे, धोते थे, खूब तैरते थे गंगा जी के अंदर, उसी के अंदर पानी में चोर सिपाही खेलते रहे, पंडित जी लोग भी चिल्लाए अबे निकल जा बे निकल जा, भुतवा आ जाए भुतवा आ जाए। गंगा माँ का लंबाई चौड़ाई गहराई नहीं नापते, जितना माँ बेटे के प्रेम में गहराई है उतनी ही गहरी है। जब मन घबराता है गंगा जी देखिए बगल में पास में, गंगा जी जाइए गंगा जी में जो है बैठे। काशी में ऐसे 7 कुआं हैं जहाँ पे आपके मृत्यु के 6 महीने पहले आपका परछाई दिखना बंद हो जाता, उसमें से एक है कुआं चंद्रकूप। आंटी कुएं के लिए इधर जाना है तो आपके हिसाब से मेरे को देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? हाँ, आपको देखना चाहिए, मैं रोज ही देखती हूँ। और मेरे नंद के साथ ही हादसा हुआ था, वो देखी थी उनको नहीं दिखा। हाँ। और 1 महीने के अंदर वो एक्सपायर कर गई। मैं भी कुएं पे खड़ा हूँ, ये रहा कुआं, ऊपर से रोशनी आ रही है और दिख सकता है कि परछाई दिख रही है नहीं दिख रही, साफ साफ पता चल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा क्या सीन है, ये रही मेरी परछाई। सिंधिया घाट पे रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि कहा जाता है कि पीसा टावर से भी बहुत ज्यादा झुकाव पे है। बेसिकली यही वो टेम्पल है जिसकी भैया बात कर रहे हैं। रस पिए आप, जूस पिए, जूस एक रस है यहाँ पे जिसका नाम है बनारस। सब बना बनाया है, आदमी को कहीं भी आपको पानी दाना खाना पीना कपड़ा लत्ता, अगर कपड़ा भी नहीं है तो आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई दे देते दान में फट से दे देंगे। अगर एक बार आ गए तो दोबारा जा नहीं सकते, यहाँ से आएंगे अपनी मर्जी से, जाएंगे बनारस की मर्जी से। सब देशों का रस ये है बनारस। बनारस दुनिया की सबसे पुरानी लिविंग सिटीज में से एक है। ये शहर कितना पुराना है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इस बात से कि ये घर है स्वयं माता पार्वती और भगवान शिव का। तो मैं अभी सारनाथ में हूँ जो वाराणसी में ही आता है। बेसिकली गौतम बुद्ध ने जब बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी उसके बाद उन्होंने अपना जो पहला उपदेश वो एग्जैक्टली इसी जगह पे दिया था। हर हर महादेव, ये काशी का महत्व पागल है। हम लोग चना चबेना खा लेंगे, गंगा जल पी लेंगे, लेकिन काशी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग चाहते हैं कि काशी में भी हम लोग सेवा करते करते हम लोग भी यहीं इसमें उनके अंदर समर्पित हो जाएं तो हमें बहुत खुशी की बात होगी। काशी नगरी देवता नगरी है, भोले का नगरी है, उसके अंदर धर्म से रहे ईश्वर प्राप्त होता है पुत्र। बनारस के लोगों ने और यहाँ के खूबसूरत घाटों ने मेरा दिल जीत लिया। मतलब कुछ तो बात है इस शहर में। मणिकर्णिका घाट पे बिताए हुए पलों ने मुझे सिखाया कि जीवन का परम सत्य तो मृत्यु ही है और आखिर में तो हम सबको यही आना है। शमशान के बाहर मैंने कहीं पढ़ा था
कि जन्म लेना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में रहना ये कर्मों की बात है।